Hi friends, how running option strategies is like running car driving. देखिए ये बहुत important topic है जो हमें अच्छे से समझना चाहिए और अगर हम इसको compare करेंगे car driving के example के साथ तो हम इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. सचमुच में जब मैं कोई option strategy चलाता हूँ तो मुझे पता नहीं होता है कि कल market घटेगा या बढ़ेगा या कल volatility घटेगी या बढ़ेगी, लेकिन मुझे ये पता है कि मार्केट के अंदर में जो ऑप्शंस का प्रीमियम दिया हुआ है और उसके अंदर में जितनी भी टाइम वैल्यू है, मैच्योरिटी जैसे जैसे नजदीक आएगी वो टाइम वैल्यू खत्म होती जाएगी और ऑन मैच्योरिटी टाइम वैल्यू विल बी जीरो. सो इफ आई वॉन्ट टू अर्न टाइम वैल्यू आई विल सेल ऑप्शंस एंड ऑन मैच्योरिटी टाइम वैल्यू विल बिकम जीरो, तो वो पूरा का पूरा टाइम वैल्यू मुझे मिल सकता है. पर जरूरत है कि अपनी पोजीशन को जीरो डे से शुरू करके मैच्योरिटी डे तक लेके जाना चाहिए. तो अब अगर जब हम कार ड्राइविंग के एग्जांपल के साथ में इसको कंपेयर करते हैं, तो जब मैं कार से अपने घर से ऑफिस की तरफ निकलता हूं तो मुझे ये नहीं पता होता है कि कितनी बार लेफ्ट टर्न आएंगे, कितनी बार राइट टर्न आएंगे, कितनी बार रास्ता खुला मिलेगा और मैं स्पीड दूंगा और कितनी बार मुझे ब्रेक लगाने पड़ेंगे. लेकिन मुझे यह पता है कि स्टीयरिंग को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ब्रेक कैसे लगाया जाता है, एक्सीलरेटर कैसे दिया जाता है, गाड़ी को रिवर्स गियर में कैसे लिया जाता है. तो उसी के यूज के थ्रू मैं अपने घर से निकलता हूं, जब भी मार्केट की तरफ जाते समय पे, ऑफिस की तरफ जाते समय पे लेफ्ट टर्न आता है तो मैं लेफ्ट में गाड़ी को स्टीयरिंग को मोड़ देता हूं, राइट टर्न आता है तो मैं राइट में मोड़ देता हूं, रास्ता खुला दिखता है तो मैं एक्सीलरेटर दबा देता हूं. सिमिलरली यदि मुझे इन सब चीजों को सीखना हो तो ऑप्शन स्ट्रेटेजीज के लिए वो पांच चीजें हैं, डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा, रो. यदि आप उन पांच चीजों को कंट्रोल करना जानते हैं तो आप अपनी स्ट्रेटेजी को डे वन से लेकर के मैच्योरिटी तक लेके जा सकते हैं. आपको भी नहीं पता है कि मार्केट कब बढ़ेगा कब घटेगा, लेकिन आपको यह पता है कि मार्केट जैसे ही बढ़ेगा तो आपको डेल्टा को क्या करना है, घटेगा तो आपको डेल्टा को क्या करना है, मार्केट में वॉलिडिटी चेंज होगी तो आपको वेगा को क्या करना है, गामा को क्या करना है, थीटा को क्या करना है, वॉलिडिटी घट गई तो क्या करेंगे, बढ़ गई तो क्या करेंगे, टाइम जैसे जैसे मेच्योरिटी के नजदीक जाएंगे इन ग्रीफ्स को कैसे रखेंगे. तो जिस तरीके से कार ड्राइविंग में यदि मुझे इन चीजों के ऊपर में कॉन्फिडेंस है तो मैं कार ड्राइविंग एकदम अच्छे से कर सकता हूं और अपने घर से ऑफिस तक एकदम अच्छे से पहुंच सकता हूं, उसी तरीके से यदि इन पांच ग्रीफ्स के ऊपर में मेरा कॉन्फिडेंस है तो मैं स्ट्रेटेजी को डे वन से शुरू कर सकता हूं और मैच्योरिटी तक उसको लेके जा सकता हूं. और यही चीज को जो मुझे मार्केट के अंदर में ऑप्शंस का प्रीमियम यदि कमाना है तो यदि मैं ग्रीफ्स को कंट्रोल नहीं करता हूं तो इट कैन मेक लॉट ऑफ रिस्क फॉर मी, और यदि मैं उनको कंट्रोल करता हूं तो इट बिकम्स वेरी एंजॉयबल गेम फॉर मी. फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू कैन गेट इन टच विथ अस एट www.finideas.com. थैंक यू.